हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन होगा बीआरएस का, ठीक है बच्चा? चलिए हेडिंग दीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ बीआरएस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ बीआरएस। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को समझेंगे बाबू, आइए बीआरएस के फॉर्मेट को पहले समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग एक सुंदर सा एक फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें एक हेडिंग होगा और एक डेट को मेंशन करने के लिए एज ऑन या एज एट वर्ड का यूज करेंगे, है ना? तो एक हेडिंग हो गया जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और अगर किसी कंपनी या किसी बिजनेस का नाम होगा तो वो नाम भी आगे लिख देंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ राहुल, बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ एबी लिमिटेड, है ना? जो भी रहेगा उसका नाम भी हम लोग यहां पे लिख देंगे। उसके बाद जिस डेट को बनाएंगे, जैसे महीने के लास्ट में ये जनरली बनता है, तो जनवरी के लास्ट में होगा तो 31 जनवरी, मार्च के लास्ट में होगा तो 31 मार्च, इस तरह से हम लोग करेंगे। बीआरएस का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो हमको पहले हेडिंग देना होगा और ये तीन कॉलम वाला फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। जनरली ये फॉर्मेट स्कूल बेसिस का जो एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो बोर्ड वाला एग्जामिनेशन होता है 11 12th का, उस पे यही फॉर्मेट आपका रेकमेंड किया गया है। इसके अलावा भी हमारे पास एक फॉर्मेट है जो आपको हम बता चुके हैं, एड लेस वाला फॉर्मेट, जो कंपटीशन में यूज करते हैं हम लोग सीए वगैरह के एग्जामिनेशन में, उस पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग सवाल इस पे बनाएंगे, ठीक है बच्चा? अब बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का ये जो फॉर्मेट है ना, इसके दो छोर होते हैं, दो, जैसे नदी के जो छोर होते हैं बच्चा, उसी तरह से इनके भी दो छोर होते हैं। एक पॉइंट को बोला जाता है एसपी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? एसपी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग ईपी, यानी कि एंड पॉइंट। ईपी यानी कि एंड पॉइंट, ठीक है बच्चा? एक हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एक हो गया हमारा एसपी, और ईपी के बीच में आपको चीजों को या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। चीजों का मतलब हो गया जो रीजन है जिसके कारण से कैशबुक और पासबुक का मैच नहीं हो रहा, उस रीजन को आइडेंटिफाई करके हम लोग या तो उसको प्लस कॉलम में लिखेंगे उसके अमाउंट को, या कहां लिखेंगे हम लोग बच्चा? माइनस कॉलम। या तो प्लस कॉलम में लिखेंगे या तो, अब आइए स्टार्टिंग पॉइंट का अपना एक इंपॉर्टेंस है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगा, अब दो लोग को हम लोग मिला रहे हैं, कैशबुक को पासबुक से या पासबुक को, तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट में कैशबुक रख दिए तो नीचे क्या मिलेगा? ऊपर अगर पासबुक रख दिए तो नीचे क्या मिलेगा? ये ध्यान रखिएगा, दो ही लोग के बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, कैशबुक और पासबुक, तो ऊपर में अगर हम लोग कैशबुक रख दिए तो नीचे में क्या हो गया? पासबुक। ऊपर पासबुक रख दिए तो नीचे क्या हो गया? अब आइए कैशबुक हो या पासबुक, इनके जो बैलेंसेस होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक फेवरेबल और एक आपका अनफेवरेबल, एक फेवरेबल और एक आपका अनफेवरेबल। अगर सवाल फेवरेबल बैलेंस का है तो हम लोग पहला अमाउंट कहां लिखेंगे? प्लस कॉलम में। और अगर सवाल अनफेवरेबल का है तो पहला अमाउंट कहां लिखेंगे हम लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में एग्जांपल दे रहे, डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में फेवरेबल एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ये मेरा पहला जो भी उसका अमाउंट होगा वो यहां पे लिख देंगे हम लोग। डन। तो यहां हमको क्या मिलेगा बाबू? नीचे क्या उम्मीद करें हम लोग? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट का मिरर इमेज कहां बनेगा? पासबुक में, क्रेडिट में। तो डेबिट यहां लिखे तो नीचे कहां आएगा? अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में डेबिट बैलेंस की जगह पर आता क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसको कहां दिखाएंगे हम लोग? इसको हम लोग माइनस कॉलम में दिखाएंगे। और जब इसको माइनस कॉलम में दिखाएंगे तो हमारे पास नीचे क्या मिलेगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर। यहां पे क्रेडिट बैलेंस हो गया ओवरड्राफ्ट, यहां पे क्या हो गया? अच्छा, सोचने का तरीका, सोचने का तरीका चाहे फेवरेबल बैलेंस का हो या अनफेवरेबल बैलेंस का हो, थिंकिंग प्रोसेस जो होगा, दिमागी प्रक्रिया एड और लेस का, यानी प्लस माइनस करने का, वो सिमिलर होगा। आपका क्वेश्चन चाहे ओवरड्राफ्ट का रहे या फेवरेबल बैलेंस का रहे, डजंट मैटर, थिंकिंग प्रोसेस जो होगा बीआरएस का वो सेम होगा दोनों के लिए, यानी प्लस माइनस
दोनों के लिए सेम तरीके से होगा, केवल पहला जो अमाउंट होगा वो हमको प्लस में लिखना है या वो हमको माइनस। हाँ बोलो सर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पीबी तो फेवरेबल बैलेंस ये सीबी होगा। हाँ तो तुम मन में बोला होगा बचवा, आई जोर से बोला तेकर बतवा आ गया, तुम बोला मन का बतवा हम कैसे जान जाते हैं। चलो ओके, तो यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, हम पहले एक तो फेवरेबल बैलेंस को लेके चलेंगे और फिर हम लोग एक तो अनफेवरेबल बैलेंस को लेके चलेंगे। चले बाबू हम लोग यहाँ लिखते हैं डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल एज पर कैश बुक। एक सवाल ले लेते हैं बाबू, लाओ तो स्टडी मटेरियल लाइए। चलिए स्टडी मटेरियल में आइएगा बच्चा, प्लीज 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 पेज नंबर 68 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। पेज नंबर 68 एंड क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 68 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन का हेडिंग है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है 8000। चलिए यहां पे लिख देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और अमाउंट यहां पर हो जाएगा 8000। अब हम ऊपर लिख दिए कैश बुक, तो नीचे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं पासबुक। लेकिन हम पासबुक पर पहुंचने के लिए हमारे पास जो जो आपके क्वेश्चंस में एड लेस होने वाला है उसको समझेंगे। चलिए आप लोग नोट अभी मत करिएगा, पहले ये फॉर्मेट बना के ये वाला अमाउंट लिख दीजिए, अब कैसे कैसे एड हो रहा है, कैसे कैसे लेस हो रहा है इसको समझिए, फिर हम लोग यहां क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, देखो बाबू पहला जो रीजन पता चला, देखो बाबू क्वेश्चन में आपका रीजन दिया हुआ, पढ़िए बाबू क्या दिया हुआ, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट चेक सेंड टू बैंक। अच्छा बैंक में हम लोग चेक को काहे के लिए भेजेंगे, जमा करने के लिए। कोई पार्टी ने हमको चेक से पैसा दिया, हम उस चेकवा को एक साल तक रख रहेंगे ना, तब भी वो कैश नहीं बनेगा, और तो और 3 महीना के बाद चेक का जो डेट भी एक्सपायर हो जाता है तो खत्म हो जाएगा जी। इसीलिए उस चेक को हमें यथाशीघ्र कहां जमा करना चाहिए, बैंक। तो यहां पे बोल रहा है कि चेक है ना ड्रॉन के चेक सेंड टू बैंक बट नॉट, तो हमने चेक तो भेज दिया बैंक में, लेकिन बैंक वाला इस पार्टिकुलर डेट जब हम बना रहे बीआरएस उस दिन तक उसको क्लियर। अब जरा देखिए इसका कैसे हम लोग प्लस माइनस करेंगे, उसके लिए अपना दोनों हाथ को यूज करेंगे बच्चा। लाइए बाबू दोनों हाथ लाइए आप लोग, आज के बाद आपका राइट हैंड कैश बुक के नाम से जाना जाएगा। आप लोग अपना अपना राइट हैंड ऊपर करिए, कैश बुक ये इसका क्या नाम हो गया, और लेफ्ट हैंड को क्या बोलेंगे, पासबुक। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका पासबुक और ये हो गया आपका राइट हैंड को किस नाम से जानेंगे, लेफ्ट हैंड को किस नाम से जानेंगे। चलो बाबू अपना अपना पासबुक को उठाइए, यानी कि लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। शर्माओ ने देखो बाबू, हो सकता है जिस तरीके से हम आपको बीआरएस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है लोग देखे आपको बोली तो पागल हो गया। डजंट मैटर, आप अपना काम कर लीजिए, क्योंकि 100% सियोरिटी है, गारंटी है कि आपका सवाल सही बनेगा। अगर इस तरीके से चलेंगे तो 100%, तो पागल समझे तो समझे, लेकिन हम लोग तो अपना काम कर लेंगे, है ना बच्चा। तो आइए हम लोग इसको समझेंगे बाबू, ये है कैश बुक और ये है। अब कहता है कि ये दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, कैश बुक शुड बी इक्वल टू दी पासबुक का बैलेंस के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बराबर नहीं रहता, ए बाबू लिख रहा है ऐसा करना, एक का यहां जो है ना एगो जानते हो मौर्य लोक में मेहंदी लगाता है, जाओ वहीं पे जाकर के एक नाम लिखवा लो कैश बुक, एक नाम पासबुक, जाओ मिट में नहीं करेगा, अरे टैटू बना लो जाओ। ओके देखिए बच्चा क्या कर रहा है, जान दो अगर चेक अगर हम भेजे हैं बैंक में तो उसका एंट्री तो कैश बुक में करिए कि नहीं भेजे होंगे, आके ऐसी भेज दिए होंगे, करिए भेजे होंगे,
तो चेक जब एंट्री करके भेजे होंगे तो कैशू का बैलेंस को क्या कर लिए होंगे, बढ़ा लिए होंगे ना कि भाई इतना रुपये का चेक हम बैंक में जमा करने जा रहे हैं, इसका मतलब बैंक का बैलेंस मेरा इतना रुपया से। लेकिन बैंक वाला ने आपके अमाउंट को तो बढ़ाया नहीं, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ पाया चेक। तो पासबुक का बैलेंस कम है और कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस। अब इस तरह से लेकर के चलिए बीआरएस में। अब ये मत समझिए विनय सर ब्रेक डांस कर रहे हैं, ये सीन है आपका बीआरएस का। अब बताओ हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में जिसको लिखे हैं ना उसी के अकॉर्डिंगली एडलेस करना होगा, यानी प्लस माइनस करना होगा। किसको लिखे हैं, कैशबुक या पासबुक को? तो कैशबुक में ऐसा क्या करें कि ये पासबुक के बराबर में आ जाए, माइनस उतना रकम को क्या करना होगा, उतना रकम को क्या करना होगा, चलो वहां पे माइनस का जरा सिंबल लगा लो, लगा लो बाबू, फिर हम लोग यहां क्वेश्चन पे आएंगे, वहां आपका स्टडी मटेरियल में माइनस लिख दो, हाँ क्वेश्चन में लिख दो उसको माइनस। हाँ अभी तो सीख रहे हैं ना, चले तो उसको माइनस करेंगे हम लोग। दूसरा क्या है बच्चा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अच्छा चेक डिपॉजिटेड का उल्टा होता है चेक इशू, चेक डिपॉजिटेड का उल्टा होता है क्या बच्चा, चेक इशूड का मतलब होता है हमें किसी को पेमेंट देना है तो हम अपने चेक को अपने कंपनी का चेक साइन करके उनको दे रहे हैं, इसको बोलते चेक इशूड करना। तो चेक इशूड करना मतलब पेमेंट, चेक इशूड करना मतलब, तो जब जब हम किसी को चेक इशूड करेंगे कैशबुक में उसका एंट्री करेंगे ना बच्चा, पैसा पेमेंट करेंगे तो मेरा कैशबुक का बैलेंस, बैलेंस क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया है वो एब्सेंट हो गया, बैंक में पहुंच भी नहीं किया, घूम रहा अभी, 10 दिन बाद पहुंचेगा, 15 दिन बाद पहुंचेगा, तो बैंक तो अपने मन से बैलेंस को कम करेगा नहीं। तो बैंक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। कैशबुक का बैलेंस क्या है, चल किसके हिसाब से, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में कौन है, जो भी एडजस्टमेंट होगा आज पर कैशबुक ही होगा, तो हम कैशबुक में क्या कर दें जो इसके बराबर में हो जाए, क्या होगा बच्चा, क्या होगा बच्चा, प्लस, प्लस करेंगे। चलो बाबू अमाउंट को लिखो, प्लस करेंगे, ये 1200 रुपए अमाउंट को हम लोग प्लस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। 2000 को क्या किए हम लोग, 2000 को हम लोग माइनस किए, अभी उसका स्टेटमेंट लिखने बताएंगे आपको, और 1200 को हम लोग क्या किए, हम लोग प्लस किए। चलिए अगला क्या है, बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस कौन लेगा, बैंक लेगा बच्चा। अब बैंक लेगा तो क्या करेगा, आपके दरवाजे आएगा, खटखटाएगा, टिंग 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 टिंग, बैंक चार्जेस लाइए, नहीं आपके बैलेंस जो बैंक में है ना उसको छेप लेगा, कम कर देगा आपका। तो बैंक ने आपके बैलेंस को कम कर दिया, पासबुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस और कैशबुक का बैलेंस तो कम हुआ नहीं, तो अब हम ऐसा क्या करें जो पासबुक के बराबर में आ जाए, तो हमें इसको क्या करना होगा, क्या करना होगा बच्चा, चलो बाबू माइनस करेंगे, कितना रुपया है, 100 रुपया हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे, 100 रुपया क्या कर दिया बच्चा। अभी हम लोग लिटरेचर क्या लिखेंगे वो आ रहे हैं, चलो अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज का मतलब हुआ बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा, ओवरड्राफ्ट का मतलब एक तरह का लोन, ओवरड्राफ्ट का मतलब, सो लोन की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो बैंक अपने बिजनेसमैन को देती है, उसके बदले में वो महीने महीने 6-6 महीने में उससे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अगेन ये इंटरेस्ट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, आपका बैलेंस है बैंक में, उसको क्या करेगा, तो बैंक ने घटा दिया आपका कैशबुक का बैलेंस, बढ़ा हुआ क्या बचा, जिसके हिसाब से चल रहे हैं आप कैशबुक के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पासबुक के हिसाब से चलते तो क्या करते हैं आप, पासबुक के हिसाब से चलते तो प्लस करते, लेकिन आप चल रहे हैं कैशबुक के हिसाब से तो कितना रुपया, 200 रुपया। चलो अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कलेक्टेड बाय बैंक नॉट शोन इन कैशबुक, अब समझो अब बैंक ने कलेक्शंस करके आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, आपके बैंक का बैलेंस कैशबुक में पैसा बढ़ा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, चल किसके हिसाब से रहे हैं, चल किसके हिसाब से रहे बच्चा, किसके हिसाब से रहे, क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, कितना रुपया बढ़ाएंगे, 500 रुपया, चलिए 500 रुपया से बढ़ा देंगे। चलो बाबू अगला क्या है,
आगे है चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। अब हुआ क्या है, चेक तो पार्टी से रिसीव कर और उसको कैशबुक में लिख दिए, कैशबुक का माला बढ़ गया, लेकिन चेक को भेजवे नहीं किए तो पासबुक में नहीं एंट्री हुआ, नहीं बढ़ा, पासबुक कम है, कैशबुक बढ़ा हुआ, क्या करूं, क्या करो, माइनस करना, क्या कर रहा हूं बच्चा, ध्यान रखिएगा, अगर कैशबुक बढ़ा हुआ कैसे बुक के हिसाब से चल रहे तो माइनस, अगर कैशबुक बढ़ा हुआ पासबुक के हिसाब से चल रहे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस। कितने रुपया माइनस करेंगे बच्चा, 800। चलिए अब जरा सर लिटरेचर हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, ये तो पता चल गया कि कौन ऐड होगा कौन। चलिए अब देखिए ये जो अमाउंट था हमारा, ये था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या फिर कलेक्टेड। चलो बाबू लिटरेचर लिखो इसमें, चेक डिपॉजिटेड या सेंट बट नॉट कलेक्टेड। अब क्लियर हो कलेक्टर बात मीनिंग एक ही है, शब्दों पे ना जा सेंस पे जाए। इशूड का मतलब हुआ आपने चेक काट के किसी को पेमेंट दिया तो आपका कैशबुक का बैलेंस घट जाएगा। सेकेंड वाला क्या था, ये वाला क्या था, चार चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट। चलिए लिखे चेक इशूड हमने कर दिया लेकिन पार्टी नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलिए ओके डन डन, आगे बढ़े। yes, क्या है, बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, लिखो बाबू बैंक चार्जेज Not recorded in cash book. Number 4. चलो बच्चा number 4 में आइए, क्या कह रहा, overdraft not recorded in cash book, interest on OD, overdraft not recorded in cash book, cash book में record नहीं हुआ। हाँ एक ही बात है, इंटरेस्ट ऑन ओडी है इसलिए लिख दीजिए, कभी कभी इंटरेस्ट आपका इनकम भी होता है ना, इसलिए समझाना पड़ेगा। हाँ आगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कलेक्टेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके चलिए और क्या है, चेक रिसीव्ड, चलिए चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट, कितना 800। ठीक है अब आइए देखिए क्या करना है बच्चा, ध्यान दो यहां पे, ये सारा लिखने के बाद हम लोग इसको दोनों कॉलम को अलग अलग टोटल करेंगे, अलग अलग टोटल करेंगे, ये टोटल करने के बाद आया 9700, इसको टोटल करने के बाद आया 3100। अब एक जो तरीका है जो आप यूज कर सकते हो कि दोनों में से जो छोटा वाला रकम होगा ना उसको आप दूसरे साइड में घटा के बैलेंस लिख दो, जैसे ये प्लस वाला कॉलम है ये माइनस वाला कॉलम, माइनस वाला कम है प्लस वाला ज्यादा है, तो इसमें ये वाला घट सकता है कि नहीं घट सकता, तो इसमें से जाएंगे इसमें घटा देंगे तो आएगा 6000, जिधर आएगा जिधर ज्यादा उधर ही लिखना, अगर ये ज्यादा होता तो इसको उधर लेके घटा के इधर लिखते, अब ये प्लस में आया इसका मतलब ये वाला क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस, क्या होगा बच्चा, अब ऊपर में कैशबुक लिखे नीचे क्या आएगा, पासबुक, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस ब्रैकेट में फेवरेबल एज पर पासबुक, एज पर। चलो बाबू ये लिखेंगे हम लोग, आराम से ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस ये हो गया ओडी एज पर कैशबुक, कितना है
4,260। अब केवल ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव बैलेंस का है, अनफेवरेबल का है, तो उसको केवल आप माइनस में लिख दीजिए, बाकी सोचने का तरीका वैसे ही है। चलो पहला क्या, अगला क्या बच्चा, ट्रांजेक्शन बोलो। हाँ, चेक ड्रॉन का मतलब होता है चेक इशू, चेक ड्रॉन का मतलब, तो चेक ड्रॉन करेंगे तो कैश बुक में क्या होगा, माइनस। कैश बुक में क्या होगा, माइनस। पासबुक में तो नहीं हो पाया, क्या करूं, क्या करूं बच्चा, कैश बुक में हमें ऐड करना होगा, क्या करना होगा, चलिए प्लस कॉलम में लिख दीजिए, कितना रुपया है, 1900। चलिए 1900। अगला बोलो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन कलेक्शन नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट करने का मतलब हुआ कैश बुक में बढ़ा दिए, कलेक्शन नहीं हुआ, पासबुक नहीं बढ़ा, क्या करें, चल रहे हम लोग कैश बुक से, इसलिए माइनस। कितना रुपया, 2100। चल 2100। नेक्स्ट, इक्वेशन टू में कह रहा है कि चेक हमने क्या किया, तो चेक इशू किए लेकिन जिसको हम चेक दिए वो पैसा मांगने नहीं पहुंचा, तो मेरे बैंक से पैसा नहीं घटा लेकिन हमने कैश में घटा लिया, तो वापस इसको बढ़ाना पड़ा। चलिए थर्ड वन, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन। अगेन, अगर आपका बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है ओवरड्राफ्ट पे, तो आपका बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया। आपका बैलेंस क्या है यहाँ पे कैश में, बढ़ा हुआ है, आपको भी क्या करना चाहिए, माइनस। चलो माइनस करो बाबू, कितना रुपया, 200। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ पासबुक में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में भी बैलेंस को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, इट वाज करेक्टली एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। जी, एक कस्टमर से हमने चेक रिसीव किया, उसको करेक्टली एंटर कर दिया कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन भेजना भूल गए, भेजना, तो भैया हमारा तो कैश बुक में अमाउंट बढ़ चुका है, अब चेक भेजे नहीं, तब बैंक वाला नहीं बढ़ाया, तब चेक भेजेंगे तब ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे बच्चा, माइनस करो, कितना रुपया, 400। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हम लोग बैंक से पहले ही तय कर लेते हैं कि भैया हमारा ये दो चार तो पेमेंट है, आएगा ना तो आप दे दीजिए, आएगा तो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। एक हम लोग कागज पे साइन करके उसको दे देते हैं, ये पेमेंट को हम लोग को पे कर देना, हम आपको ऑथराइज कर दिए, तो आपका बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट कर दिया, आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया, आपके आपको पता नहीं है कि सब पेमेंट हो गया, आपको भी क्या करना होगा, आपको भी घटाना होगा, कितना रुपया, 500। चलिए और कुछ है, और कुछ है बच्चा, खत्म। चलिए अब सबका स्टेटमेंट लिखिए, पहला क्या था, ये क्या था, चेक, चेक ड्रॉन या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। चलिए दूसरा क्या है बच्चा, क्या है, क्या है, चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्टेड नहीं हुआ, तो फिर यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलिए और बोलिए, इंटरेस्ट, ये तो हो गया, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट, हो गया, चेक रिकॉर्डेड हो गया। चलिए आगे बोलो, लास्ट में क्या था, क्या क्या था, पेमेंट का क्या नाम है, क्लब फी, हाँ, क्लब फी पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश में,
तो स्टैंडिंग ऑर्डर में आपका कौन सा पेमेंट का नाम होगा देंगे ना? हाँ, बहुत सारा स्पेंस होगा। चलिए, हो गया। अब इसको हम लोग टोटल करें। चलिए बच्चा, टोटल करोगे। इधर कितना आया? 1900। इधर कितना आया? 7460। ज्यादा किधर लग रहा आपको, प्लस में या माइनस में? तो ये वाला को, छोटा वाला को जाके इसमें घटा देंगे। छोटा भाई बड़ा भाई में घट रहा है, कितना मांग रहा है? 5560। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये भी ओवरड्राफ्ट ही होगा। लिखेंगे डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में ओडी एज पर पासबुक। चलो बच्चा, नोट करो, नोट करो, नोट करो। एकदम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे बच्चा, आराम से बनेगा। बस खाली हाथ को जब जब जरूरत पड़े यूज करिए, बिल्कुल यूज करिए, ताकि बैलेंस को, है ना, चेक करने में आपको सुविधा हो और आराम से आपका करेक्टली सवाल बन जाए।